लाइफ में हर किसी का एक सपना ज़रूर होता है, किसी का कुछ पाने का और किसी का कहीं जाने का। तो जी हाँ, मेरा भी एक सपना था एक जगह जाने का, जिसे स्वर्ग भी कहा जाता है, जहाँ स्वर्ग से हवा आती है। जी हाँ, केदारनाथ। तो ये सफ़र शुरू होता है लुधियाना पंजाब से, और जो कि होने वाला है 500 किलोमीटर का बाय रोड। और इस सफ़र में जो मेरे साथी हैं, जिनके साथ मैं जाने वाला हूँ, उनसे करवाते हैं आप सभी लोगों की मुलाकात। अपने जो साथी हैं देख सकते हैं, इधर है अपना भाई अमन, इधर है शुभम, सभी को आप लोगों ने पहले देख चुका होगा ऑलरेडी। ये है अज्जू, इधर है पंकज ब्रो, और इधर दीपू। पहली बार देख रहे हैं? पहली बार। हाँ, दीपू को शायद पहली बार देखा होगा। इधर है हम, ठीक है। आप पसीने से देख सकते हैं कि मतलब हालत हो चुकी है बिल्कुल तर बदर, तो स्ट्रगल है। वीडियो के लिए लाइक तो बनता है, ठीक है। बाकी अंधेरा बहुत हो चुका है, तो अभी सीधा मिलते हैं आपको बाइक पे। सो 1210 का पेट्रोल पड़ चुका है अपनी ब्लैक बीस में, 12.5 लीटर के आसपास। और इधर लगा दिया हमने ट्रिप जीरो, हाँ, और बच चुके हैं 12:15। माइक बहुत दिक्कत कर रहा है यार, भाई बहुत दिक्कत कर रहा है। आगे जाके कहीं रुकेंगे और फिर माइक का देखते हैं यार, कुछ करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल मिलेंगे। तो ये कुछ मुसाफिर मिले जिनसे थोड़ी बहुत बातचीत हुई, और जो कि हमारी तरह बाबा के दर्शन करने जा रहे थे केदारनाथ। सो फाइनली भाई साहब, रात के बज रहे हैं 3, खुद ही देख लो, रात के 3 बज रहे हैं। और मतलब रास्ते में इतनी दिक्कतें आ रही हैं। अब क्या हो रहा है ना, बाइक का हो गया टायर पंचर, और उसमें इतनी बड़ी कील घुसी हुई है, और रात को पंचर वाला तो मिलेगा नहीं, तो उसमें पेट्रोल पंप से हवा भर के तो जैसे तैसे करके हम चले ही जा रहे हैं। और फिलहाल जस्ट खाना खाया, पीछे आप देख सकते हैं केसरी ढाबा। एरिया है ये राजपुरे से पहले, अभी थोड़ी देर के बाद आ जाएगा राजपुरा और फिर आएगा अम्बाला। तो यहाँ पे खाना वगैरह तो क्या ही खाया, घर से हम वैसे रोटी सब्ज़ी लेके आए थे तो वही खाई, और एक एक बर्गर खाया था। बर्गर भाई साहब 80 रुपये का एक बर्गर, 80 रुपये का भाई साहब बिल भी पड़ा। हमने सोचा फिर अगर यार घुसी गए होटल में तो यार कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं, तो नींद आ रही थी इतनी तेज ना, मेरे को 5 मिनट सोया, इन्होंने उठा दिया। तो ये आप देख सकते हैं, ये था तीसरी ढाबा और ये रही अपनी गैंग। तो बस अब तुरंत यहाँ से बाइक उठाते हैं, सीधा निकलते हैं। अभी थोड़ी बहुत मतलब कॉफ़ी पी के एनर्जी आई हुई है, तो उस एनर्जी को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा निकलते हैं टुवर्ड्स ऋषिकेश। होए। तो गाइस यार जरा ये रोड चेक करो, भाई साहब यार कितना चेंज हो गया यार, बिल्कुल मज़ा आने वाला। परफेक्ट लाइटिंग, हरियाणा सरकार को अब बिग थम्स अप। ये रही अपनी गैंग, इधर खड़ी है स्प्लेंडर, इधर अपनी ब्लैक बीस, इधर अपनी दूसरी स्प्लेंडर, और लड़के कर रहे हैं फुल इंजॉय रात के 4 बजे, मतलब सुबह के 4 बजे। तो भाई साहब सुबह के बज चुके हैं 5:45, और फाइनली अभी जाके मतलब एक पंचर वाला मिला, जो हमारे टायर में जो पंचर हो रखा था उसमें हम ऐसे ही हवा भर के उसको चला रहे थे, तो उसकी हवा भी ऑलमोस्ट निकल चुकी थी। तो हमें रास्ते में अचानक से
इधर पेट्रोल पंप है, इसके बगल में ही ये छोटा सा पंचर वाला दिखा। तो भाई वैसे तो सो रखा था तो हम उठा लिया, मतलब भाई को हमने बोला यार इमरजेंसी है भाई लगा दे पंचर यार, 10-20 रुपये एक्स्ट्रा लेना। तो फिर भाई उठ ही गया हमारी सुनी ली भाई ने। तो अभी हमें वैसे सहारनपुर पहुँचने वाले हैं, करीबन 20-25 किलोमीटर रह गया सहारनपुर। तो इधर हो चुका है सनराइज और इधर आ चुकी है हमारी चाय, इधर अपनी गैंग और सामने है टोल, टोल क्रॉस करेंगे तो पहुंच जाएंगे सहारनपुर। बैटरी नहीं कर रहा और ये भाई साहब गिरा के आ गए हैं अपने चश्मे, पीछे फुल हवाबाजी कर रहे थे। वर्थ हो गए इसके 400 रुपये वर्थ हो गए बेचारे के। बेचारा कह रहा है अपना ही बता रहा है। मेरा पंचर लगा, वो ने बता दिया भाई, ऑलरेडी बता दिया मैंने, टेंशन मत ले। अभी फटाफट से चाय वगैरह फिनिश करते हैं और जैसे जैसे धूप चढ़ रही है वैसे वैसे गर्मी बढ़ रही है तो फटाफट चाय वगैरह पीते हैं, थोड़ी एनर्जी आएगी और फिर निकलते हैं फटाफट। और गर्मी है ना, फटाफट जाके नहाते हैं। अब कहाँ नहाएंगे वो आप देख लेना। अरे जैकेट भी उतर चुकी है भाई साहब, क्योंकि अब लग रही है गर्मी तगड़ी वाली। मेरा फेस आप देख सकते हैं पसीने से क्या बन चुका है, तो जैकेट उतार दिया है और अब थोड़ा हवा खाएंगे जब तक धूप नहीं आती, नहीं तो फिर टैनिंग आपको पता ही है टैनिंग हो जाती है। तो जब तक धूप आती है तब तक हाफ टी शर्ट में बढ़िया से हवा खाते हैं। तो गाइस फिर से रुक चुके हैं हम, फिर से पता नहीं गिनती नहीं है भाई कि मतलब कौन सी भी बार हम रुक रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली क्या हुआ था, ये पंकज और जो अज्जू है वो निकल गए थे आगे सीधा फ्लाईओवर से, नीचे के लिए उतरना था लेकिन ये सीधा फ्लाईओवर चढ़ के भाई निकल गए देहरादून की ओर। और फिर इनको कॉल पे कॉल किया ना, बंदे साले फ़ोन उठा रहे। तो फिर हम अभी रुके हैं ये पेट्रोल पंप पे, अभी पहुँचे हैं जस्ट। और भाई कम से कम फ़ोन तो देखना होता है, पीछे मुड़ के तो देखना। और जो बचे हुए हैं अपने ये दोस्त, ये तीन दोस्त अपने मित्र हैं, ये धोखेबाज हैं। कबूतर कबूतर बहुत सारे इधर हैं, बतख काफ़ी अच्छा बना रखा है पेट्रोल पंप, एकदम बढ़िया घूमने लायक। और अभी यहाँ से करीबन रुड़की है 20-25 किलोमीटर के आसपास, लेकिन हमें रुड़की नहीं जाना है, रुड़की से पहले ही हम बाईपास होकर सीधा निकलेंगे हरिद्वार की ओर। ये सुबह के बज रहे हैं करीबन 9 बजने वाले हैं और रात के निकले हुए थे हम 12 बजे के, तो मतलब आराम आराम से आ रहे हैं। तो भाई साहब अभी हम थे ऋषिकेश से जस्ट 5-10 किलोमीटर पहले और टाइम अभी 11 बजने वाले हैं, लेकिन हमारी शक्ल में बजे हुए 12, ठीक है सभी की, क्योंकि अब हालत देख सकते हैं मतलब शक्ल की और बम की तो होगी, बम डिगी डिगी बम। भाई साहब इतनी हार्ड है ना, अभी यहाँ पे ब्रेक लिया है भुट्टा खाने के लिए। दीपू पंकज और अज्जू और हमारे साथ दो लोंडे पता नहीं कहाँ ही मतलब अभी घूम रहे हैं, कुछ पता नहीं है उनका, आता पता कुछ नहीं है। यार भाई साहब क्या दिमाग ख़राब हो रहा है सुबह से, एक और पंचर निकल गया यार। ऋषिकेश में पहुँचते भाई सुबह ही मैंने दो पंचर लगवाए और अभी एक और पंचर निकल गया पिछले वाले टायर में। अभी तो ऋषिकेश में ही है भाई, अभी तो केदारनाथ जाना है, वहाँ जाते जाते क्या होगा क्या कर सकते हैं यार, लगवाना तो पड़ेगा ही। पानी पीना है यार, दिमाग ख़राब हो गया मतलब गर्मी से। देखो भाई साहब जैकेट पहनी हुई मैंने, और ये जैकेट क्यों पहनी है, क्योंकि ये टैनिंग ना हो। भाई साहब दीपू ने हाफ टी शर्ट पहनी है, उसके हाथों के बुरे हाल हो गए, पूरे काले बन गए। ओहो भाई साहब देखो ज़रा देखो कहाँ हैं हम भाई, नीचे बह रही है माँ गंगा और ऊपर चल रहे हैं हम भाई। जय हनुमान जय बजरंगबली हर हर गंगे। वाह वाह
तो देखो गाइस काम हो चम, याद करो ये वाली जगह, यहाँ पहले भी हम आ चुके हैं और वीडियो बना चुके हैं। तो जी हाँ, हम पहुँच चुके हैं नीर वाटरफॉल ऋषिकेश, और बारिश के टाइम पे तो इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो कि एक बहुत ही ज़्यादा भयानक कुदरत का मंजर था। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, ये देखो गाइस यार, ये देखो, मतलब कुछ ही मिनटों में आप बारिश का हाल देख सकते हैं। अभी ये नहा रहे थे यहाँ पे, मेरे ही रख रहे, ये देखो हाल देखो, इधर देखो, अभी हम ये छप्पर के नीचे आड़ में बैठे हुए हैं और भाई साहब देखते देखते पानी का फ्लो इतना बढ़ चुका है ना, और इस टाइम मतलब इतना रिस्की हो चुका है, ऊपर से कभी भी मतलब मलबा जो है वो भारी मात्रा में आ सकता है, और जहाँ पे हम खड़े ना यहाँ ऊपर से भी लैंडस्लाइड कभी भी हो सकती है। भाई जिस भाई की ये दुकान थी उस भाई ने फटाफट कह दिया कि भाई यहाँ से खाली कर लो, तो फटाफट कपड़े पहन रहे हैं और फटाफट निकल रहे हैं। आप ये हाल देख सकते हैं हमारे, ये देखिए मैं तो पूरा रेनकोट में कवर हो चुका हूँ, और बाकी अभी हो रहे हैं भाई साहब, ये देखो हमारा सब कुछ बिक चुका है, सब कुछ, ये देखो सब कुछ बिक चुका है, वो देखो भाई साहब, भाई हाल देखो जरा, ये चक्कर, ये देखो भाई साहब, देखते देखते भाई, ओए जल्दी आओ, और अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो हम सिर्फ ऋषिकेश में, और आधे से ज़्यादा बड़ा है अभी जो ऐसा जो मौसम है, अभी हमने आधे से ज़्यादा देखना है और देखना है। अभी ये तो जस्ट कुदरत ने हमको एक हिंट दिया है कि आगे हमारे साथ क्या क्या होने वाला है, उसके लिए पहले ही रेडी रहो मतलब। और जो यहाँ के जो लोकल थे ना, जिनकी यहाँ पे शॉप वगैरह थी, उन्होंने फटाफट अपनी शॉप वगैरह बंद की, उन्होंने जो भी लोग यहाँ पे नहा रहे थे उनको चेतावनी दी फटाफट यहाँ से निकल लो, क्योंकि ऊपर से कभी भी लैंडस्लाइड हो सकती है और बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो गिर सकते हैं। तो भाई साहब मैं तो नहा नहीं रहा था वैसे, ये मेरे साथ थे यही नहा रहे थे, मैंने इनको फटाफट बोला कि फटाफट निकलो, तो यार बाद में बहुत मुश्किल हो सकता है। ये देखो, ये देखो भाई साहब, भाई साहब देखते देखते क्या, ये देखो बहुत गलत थी, बहुत गलत थी, और अभी हमारे साथ के चार लोग अभी भी ऊपर हैं, आ रहे हैं भाई साहब। अब मौसम चेक कर लो यार, भाई क्या तगड़ा हो गया भाई साहब, बिल्कुल चारों तरफ कोहरा ही कोहरा हो गया, बिल्कुल घना कोहरा। इधर कुछ अंकल लोग हैं तो वो मतलब हमको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग यहाँ से फटाफट निकलिए, और मतलब इस साइड ना रहिए क्योंकि इस साइड से लैंडस्लाइड हो सकता है। और ये आ चुके हैं दो, शुभम और अमन, और अजय और पंकज जा रहे हैं, वो आ रहे हैं साले, बहुत लेट करते हैं, और ये हाल चेक कर भाई, ये देखो तो क्या तगड़ा सैलाब जिसे कहते हैं ना वो, ओहो अभी जस्ट हम वहाँ पे थे, वहाँ पे थे, वो पुल दिख रहा होगा आपको बिल्कुल वहाँ पे। तो ये देखो फाइनली मतलब बाइक वगैरह पैक कर दी हमने, अपना सामान रख लिया, ये अभी लगा रहे हैं अपना बैग सेटअप कर रहे हैं अभी तक क्योंकि लेट आए, और ये देखो तो मौसम देखो, और कुछ लोग अब आ रहे हैं भाई साहब। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो, इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबा हो चुका होगा, इसके बाद अभी हमने स्ट्रगल करना है फिर से, क्यों, क्योंकि अभी हमने कैंपिंग लोकेशन ढूंढनी है, अगर मिली तो कैंप करेंगे, नहीं तो फिर कहीं होटल वगैरह देखेंगे। और बने रहिए इस सीरीज़ में, ये अभी पहला एपिसोड था, मतलब बहुत सारे एपिसोड आने वाले हैं, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए, और बाकी ऐसे ही एडवेंचर आने वाले हैं ठीक है आने वाले एपिसोड में, तो बने रहना एपिसोड में, थैंक यू सो मच।